हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम टॉपिक करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो क्या डिफरेंस है आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में? फर्स्ट वन है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट डिफरेंस इज देयर मीनिंग। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर्स, जब ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड यानी ऑफिस के काम से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन की जाती है, जैसे कि नोटिस दे दिया, लेटर दे दिया, है ना, तो वो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट व्हेन कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड, लेकिन जब कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयज़ के बीच में ही, बट ऑफिशियली अटैच नहीं होते, जैसे कि एक डिपार्टमेंट में नहीं है और वो काम से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें कर रहे हैं या फिर मतलब कोई गॉसिप वगैरह कर रहे हैं, तो वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशंस। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हाईली इम्पर्सनल रिलेशंस बनाती है, उसमें पर्सनल टच बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, इनके बीच में कोई पर्सनल रिलेशन थोड़ा ना होता है कि ये फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। एक जो है मैनेजर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है जो कि काफ़ी इम्पर्सनल है, यानी ऑफिस तक सीमित है। बट अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो इट एस्टैब्लिश्ड पर्सनल रिलेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल्स। ये पर्सनल रिलेशंस बनाती है, लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैनेजर जो है, एक बॉस जो है, और उसके नीचे जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, वो आपस में फ्रेंड्स हैं, उनके अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेचर। अभी ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका नेचर बहुत ज़्यादा रिजिड है, कांट बी मॉडिफाइड, चेंज नहीं किया जा सकता। मैं रिजिड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सपोज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कुछ, जैसे कि अगर लेटर है और वो सील पैक है और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना है तो एज इट इज़ उसको देना पड़ेगा, आप उस बीच में खोल के नहीं पढ़ सकते हो, है ना। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, काफ़ी रिजिड होते हैं। बट जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। हर अपना इंडिविजुअल का अपना हिसाब है, कोई जो है कैसे बात कर रहा है, कोई जो है कैसे बात कर रहा है, किसी मैनेजर से बात कर लो, किसी सुपीरियर से बात कर लो, सबॉर्डिनेट से अपने बात कर लो, ठीक है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें कुछ रूल्स नहीं होते, जैसा आपका दिल करे आप वैसे बात कर लो। आगे है आपका चैनल। अब ये चैनल की बात करें तो इट फॉलोज स्केलर चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, स्केलर चेन ऑफ कमांड के थ्रू बात होती है, यानी सबसे पहले टॉप लेवल के पास इन्फॉर्मेशन होगी, वो मिडिल लेवल को देंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को देंगे, लोअर लेवल वाले जाकर वर्कर्स को सारी बात बताएंगे, यानी हायरार्की लेवल में जो है इन्फॉर्मेशन पास हो रही है। बट इसके अंदर क्या होता है, नो फिक्स लाइन ऑफ कमांड, ठीक है। इसमें कोई फिक्स लाइन नहीं होती, कोई भी किसी को बात कर सकता है, किसी से कोई भी किसी को जो है आराम से जाके कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर जाके जो है अपने सबॉर्डिनेट से इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन। अब ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ये ज़्यादातर रिटन फॉर्म में होती है, ठीक है। रिटन फॉर्म में जो है कम्युनिकेट किया जाता है, बट जो इनफॉर्मल होती है ओरली की जाती है। अब जैसे हमने किसी को कुछ बताना है, वो आपस में हम फ्रेंड्स हैं, हम थोड़ा ना अगर हम आमने सामने हैं या फिर हम एक ही ऑफिस में, तो हम लिख लिख के बातें करेंगे, एक दूसरे को एनवलप में डाल के देंगे अपनी अपनी बातें, है ना। ओरली हम जाएंगे, पर्सनली किसी से भी बात कर लेंगे जो हमारे फ्रेंड होंगे या फ्रेंडली रिलेशन होंगे जिससे हमारे। नेक्स्ट इज नीड। अभी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो मेनली किसके लिए की जाती है, सर्व्स द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अर्जेंट मीटिंग बिठानी है तो एक नोटिस लगा दिया, है ना, तो वो भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट हुआ, है ना। या फिर इंडिविजुअल्स को जिन जिन को मीटिंग में बुलाना है उनको एक एनवलप जो है दे दिया, ठीक है, पहुँचा दिया उनके सबॉर्डिनेट के थ्रू या उनके मैनेजर के थ्रू, जिसके भी थ्रू। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए की जाती है बेसिकली, जो है सॉरी जो ये है आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के लिए की जाती है। बट अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो इट सर्व्स द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिविजुअल्स के लिए की जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। ये इंडिविजुअल्स अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। अभी स्पीड की अगर बात करते हैं तो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन लो, जो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें बहुत धीरे धीरे जो आपकी इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, वर्कर को आपको एक लेटर देना है तो टॉप लेवल एम्प्लॉय जाके नहीं दे देगा उसको हाथ में, ये लो ये तुम्हारा लेटर, और धीरे धीरे एक एक करके, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ना स्केलर चेन ऑफ कमांड यूज़ होती है इसमें,
मिडल लेवल, लोअर लेवल, फिर वर्कर, ऐसे ऐसे करके जो है उसके पास वो लेटर जाएगा। बट इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फ्लो इज़ वेरी फास्ट, बहुत फास्ट फ्लो होती है। आपस में सब वर्कर्स जो हैं, सब मैनेजर्स जो हैं, ईजिली बात कर लेते हैं, कोई भी बात होती है तो आराम से एक मिनट में किसी के पास भी पहुंच जाती है, सिर्फ बोलना ही तो है उस इंसान के पास जाके, है ना। अभी सेकेंड थिंग इज़ फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वर्ड क्या बोल रहा है, मतलब बाय चांस अगर कोई गलती हो जाता, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबल कौन है उस गलती के लिए, तो ये फिक्स कैसे किया जाएगा, ये डिसाइड कैसे किया जाएगा किस में कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। तो अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ईजी है, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ नोन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है वो हमें पता है ना। बट इस केस में क्या है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ काम करने को दिया गया, ठीक है, कि ये काम है, तुम करोगे ये काम, बट आपने ये काम नहीं किया, लेकिन हमें तो पता है ना कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, किसने दी, किसके लिए थी, है ना। तो हम क्या करेंगे, आराम से बता देंगे भाई ये इंसान है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको काम दिया गया था, इसने नहीं किया। बट इस केस में क्या है, कोई भी आपको कुछ भी आके बोल के जा रहा है और आपने वो काम नहीं किया तो क्या होगा, आप बोल देंगे अरे इसने तो मेरे को बोला ही नहीं ये काम करने के लिए, है ना, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ ना ही प्रूफ है आपके पास, ना ही कोई सोर्स है, कुछ भी नहीं है आपके पास, है ना। तो पॉसिबल नहीं है इसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराना किसी को। लास्ट इज रिकॉर्ड। अब जब की फॉर्मल कम्युनिकेशन है, रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, प्रॉपर हर चीज़ का रिकॉर्ड बनाया जाता है फ्यूचर के लिए, कि बाई चांस अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम यह दिखा सकें कि हाँ भाई ये लेटर था, इसको मैंने ऐसे ऐसे दिया था, ऐसे ऐसे काम करने को दिया था, इसने इसके अकॉर्डिंग नहीं किया। बट इस केस में क्या होता है, नो रिकॉर्ड मेंटेन, कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि ओरली होती है ये जो कम्युनिकेशन होती है, डायरेक्ट मुँह से बोला जाता है कि हाँ ये काम करना है या ये ऐसे हो गया या वैसे हो गया, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जितने भी थे डिफरेंस है आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, अगर इनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, जैसे कि इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको करा रखी हैं, प्लीज़ आप वो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।